नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ कुछ छोटे छोटे आइडियाज शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू साड़ी कवर। इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बना सकते हो और अपनी साड़ी को ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हो। हमारा पहला साड़ी कवर है इस टाइप से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने इसे स्क्वायर में कट किया है और ट्रांसपेरेंट शीट अटैच किया है। क्लियरली विजिबल होगा कि आपने किस कवर में कौन सी साड़ी रखी है, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इस साइड मैंने जिप लगाया है, आप इस तरीके से भी साड़ी कवर बना सकते हो। वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप इजीली एक्सेस कर पाओ। नेक्स्ट साड़ी कवर थोड़ा लो बजट का है, अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। आपको दिखा दूं, ये फैब्रिक बैग है। साड़ी थोड़ी हैवी है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। फैब्रिक बैग है, इस तरीके से मैंने ट्रांसपेरेंट शीट लगाई है, ऊपर के साइड वेलक्रो लगाया है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट साड़ी कवर इस टाइप से है। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट कम है, आप लेगिंग पाउच आता है जिसमें लेगिंग आती है, आप उसको यूज करना चाहते हो तो आप उसे यूज कर सकते हो। मटेरियल उसका बहुत अच्छा हो, उसे भी यूज कर सकते हो। हमारी साड़ियां कवर होके आती है इस तरीके से ट्रांसपेरेंट शीट में, तो आप उसे यूज कर सकते हो। और इससे भी क्लियरली विजिबल होगा कि किस कवर में आपने कौन सी साड़ी रखी है। यहाँ पर इसके फ्लैप पर मैंने वेलक्रो लगाया है, ये भी आपके पास ऑप्शन है, आप इस तरीके से बना सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप इजीली एक्सेस कर पाओ। नेक्स्ट साड़ी कवर इस टाइप से है। यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट नहीं लगाया है, बिल्कुल सिंपल है। और इसे इस तरीके से फ्लैप को मैंने वेलक्रो के साथ अटैच किया है। इस तरीके से भी अपनी साड़ियों को ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं। सभी का वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे आपके साथ शेयर किया है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप इजीली एक्सेस कर। आई होप ये सारे आइडिया आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। दोस्तों मिलती हूँ एक और नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय।